दोस्तों, आपके मन में यकायक एक प्रश्न उठ रहा होगा, दुनिया में 2019 के पहली तारीख को सबसे पहला बच्चा कहाँ जन्म लिया, किस देश में सबसे ज्यादा बच्चे का जन्म 1 जनवरी को हुआ, दुनिया में कुल कितने बच्चे का नव वर्ष के आगमन के दिन जन्म लिया। तो आपके मन की कौतूहल को शांत करने के लिए हमने इसका जवाब ढूंढ निकाला है। आप देख रहे हैं एबीएन लाइव और मैं हूँ मनोज मैथिल। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करते चलें और घंटे के निशान वाले बटन को भी दबा लें, ताकि आप तक हमारी सारी वीडियो आसानी से सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि दुनिया में करीब 3,95,000 बच्चे का जन्म 1 जनवरी को हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में भी भारत अव्वल रहा, मतलब इस दिन भारत में सबसे अधिक बच्चे का जन्म हुआ। एक और रोचक बात यह है कि 1 जनवरी 2019 को जन्मे कुल बच्चे के आधी तो सिर्फ 8 देशों में ही जन्म लिया। वहीं नव वर्ष के आगमन पर सबसे पहले फिजी में बच्चे जन्म लिए और सबसे अंत में अमेरिका में बच्चे का जन्म हुआ। आइए देख लेते हैं कुछ प्रमुख देशों में 1 जनवरी को कितने बच्चे का जन्म हुआ। भारत में सर्वाधिक 69,944 बच्चे ने जन्म लिया। दूसरे स्थान पर चीन रहा, जहाँ 44,940 बच्चे ने जन्म लिया। नाइजीरिया तीसरे स्थान पर रहा, जहां 25,685 बच्चे ने आंखें खोली। पाकिस्तान 15,112 बच्चे को जन्म देकर चौथे स्थान पर काबिज हुआ। इंडोनेशिया में 13,256 बच्चे ने और अमेरिका में 11,086 बच्चे का जन्म हुआ। यूनिसेफ के उप कार्यकारी निदेशक सार्लेंट पेटरी गॉर्निटिजगा ने इन देशों से अपील करते हुए कहा है कि नवजात बच्चे के स्वास्थ्य, जीवन के अधिकार सुनिश्चित हो, इसके लिए हर देश अपना प्रयास जरूर करें। दोस्तों, ये थे रोचक जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हमें और नई जानकारी जुटाने में हौसला मिल सके।